हेलो फ्रेंड्स, मैं लिस्ट नैनी इंस्टीट्यूट पटियाला से आज मैं आपको सुपर एक्साइटेड टू गिव यू अ सुपर न्यूज़। ऐसी न्यूज़ कभी मैंने लाइफ टाइम में नहीं सुनी। इतनी आसान कैनेडियन पीआर हो सकती है? केयर गिवर कैटेगरी के अंदर बहुत चेंजेस आए हैं और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखेगा। इसमें मैं आपको वो सारे चेंजेस जो केयर गिवर प्रोग्राम के हैं, अगर आप प्लान कर रहे हो कनाडा पीआर लेने का, सो ये वीडियो आप ही के लिए है। 31 मई को 2024 के अंदर केयर गिवर प्रोग्राम चाइल्ड के टेकर और एल्डरली के टेकर की लास्ट फाइल्स ली गई। उसके बाद ये क्लोज डाउन कर दिया गया। बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स थे जो थोड़े से मायूस हो गए कि मैम, हम लोग लगाना चाह रहे थे और हम लगा नहीं पा रहे, हम रह गए। बट उन्हीं के लिए जो रह गए, उन्हीं के लिए ये जबरदस्त न्यूज है। अब कनाडा ने केयर गिवर प्रोग्राम को न्यू फॉर्मेट में लॉन्च किया है। अभी न्यूज आई है 3 जून को कि न्यू रूल्स विद इजी एलिजिबिलिटी विद इजी प्रोसेसिंग टाइम लेटेस्ट अपडेट्स आई है। सो 3 जून को कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर मार्क मिलर, उन्होंने न्यू अनाउंसमेंट्स दी हैं। अगर आप मेरे साइट पे उस अनाउंसमेंट्स को एक बार देखते हैं, ये अनाउंसमेंट्स केयर गिवर प्रोग्राम के लिए हैं। आप देख सकते हो मेरे साइट पे। इसके अंदर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और कितने केयर गिवर उन्होंने 2 साल प्रोग्राम यानी 2024 से लेकर 2026 तक 2 ईयर्स का पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया है चाइल्ड केयर टेकर एंड एल्डरली केयर टेकर के अंदर, जिसमें इन्होंने 15,000 केयर गिवर अलाउ करने हैं एज अ पीआर, जो अभी तक की अनाउंसमेंट्स आई है। इस 15,000 को बाइफरकेट कैसे करना है, किस तरह का कोटा आएगा, वो येट टू बी अनाउंस्ड, राइट। सो अभी तक का ये अनाउंसमेंट बहुत जबरदस्त है। इसकी एलिजिबिलिटी और मजेदार है। सो जो ये आपको गोल्डन चांस फॉर पीआर फॉर कनाडा मिल रहा है, इसमें सबसे मजेदार बात क्या है, पीआर ऑन अराइवल, ठीक है। आप साइड पे देख सकते हो, पीआर ऑन अराइवल मतलब आपको पहले प्रोग्राम के अंदर 1 साल के बाद पीआर थी। अभी यहाँ पे जाने, जब आप वहां पहुंचते हो, 7 की 7 पीआर है, यानी जाते सार पीआर है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सो नो वर्क परमिट, नो लीव या रिक्वायर्ड, डायरेक्ट पीआर, ठीक है। और क्वालिफिकेशन सिर्फ +2, आज पे बैंड स्कोर 4 बैंड स्कोर, देन फैमिली में बच्चे और स्पाउस साथ में जाएंगे, ठीक है। कोई फंड्स रिक्वायर्ड नहीं है, गैप एक्सेप्टेड है। अगर आपका गैप है पढ़ाई के अंदर, तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, ठीक है। एंड प्रोसेसिंग टाइम 10 से 12 महीने। पहले ये प्रोग्राम बहुत अवेटेड था, ठीक है। अब ऐसा प्रोग्राम तो इट्स अ, मैंने कभी अपनी लाइफ टाइम में इतना इजी प्रोग्राम नहीं देखा, वो भी कनाडा पीआर के लिए। सो डोंट मिस दिस चांस, इसी में अभी से तैयारी शुरू कर दो इसकी। अब हम कंपैरिजन करेंगे ओल्ड नैनी प्रोग्राम जो ऑलरेडी चल रहा था 5 साल से, और न्यू नैनी प्रोग्राम जो अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है। अगर आपको नैनी प्रोग्राम के बारे में और जानकारी लेनी है, तो हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड नैनी कोर्स के रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो, तो ऊपर दिए गए आई बटन पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। ऑलराइट, सो न्यू प्रोग्राम एंड ओल्ड प्रोग्राम में फर्क क्या है? सबसे पहले ओल्ड के अंदर पीआर 1 साल के बाद थी, यानी आपको 1 साल तक वहां पे काम करना था और उसके बाद पीआर थी। बट अब नया जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, इसके अंदर आपको जाते सार ऑन अराइवल पीआर है। आपको 1 साल तक वेट करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो दिस इज द बेस्ट पार्ट। हम लोग जाते किसके लिए, पीआर चाहिए, राइट। सेकेंडली, आपकी जो क्वालिफिकेशन पहले थी ओल्ड प्रोग्राम में, वो आपकी +2 प्लस उसके बाद कोई ना कोई डिप्लोमा या डिग्री चाहिए थी जो 13 साल के इक्वलेंट, यानी पोस्ट सेकेंडरी के इक्वलेंट हो। बट अब न्यू नैनी प्रोग्राम के अंदर आपकी सिर्फ +2 चाहिए ओनली, राइट। देन पहले आपको इंडिविजुअल, यानी आपके फ्रेंड सर्कल में कोई भी जो इंडिविजुअल है वो ही स्पॉन्सर कर सकता था।
बट अब प्रोग्राम के अंदर आपको वो तो स्पॉन्सर कर ही सकते हैं, प्लस आपको एनजीओस भी स्पॉन्सर कर सकती है और कोई ऑर्गेनाइजेशन जिनकी रिक्वायरमेंट है वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज एन एड ऑन, राइट। देन आपका पिछले प्रोग्राम के अंदर 5500 सीटें यानी 2750 थी जो एक साल के अंदर इन्होंने कॉल करनी थी। अब ये कोटा इन्होंने 15,000 केयर गिवर फॉर 2 years की है, तो मोस्ट प्रोबेबली 7500 पर ईयर का कोटा होगा। बट कोटा की बाइफरकेशन येट टू कम, वो बाइफरकेशन अभी नहीं हुई है कि कितनी सीट्स किस में जाएंगी, राइट। पर 15,000 केयर गिवर इन्होंने अनाउंस कर दिया है जिसको इन्होंने पीआर देनी है 2 सालों में, 2024-25 and 2026 के अंदर। देन जो पहला प्रोग्राम था ओल्ड, ये 5 साल का पायलट प्रोग्राम था, बट अब जो प्रोग्राम आया है ये ओनली फॉर 2 years है, ठीक है जी। पहले का प्रोग्राम का बहुत लंबी वेटिंग चली गई, 1 साल 2-2 साल तक वेट करना पड़ा, तो कई बार वो यू नो पेशेंस लेवल लूज हो जाता है। बट अब ये प्रॉपरली एंड स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कि जो प्रोसेसिंग टाइम है ये रिड्यूस करके इन्होंने 10 महीने से 12 महीने के बीच में क्लोज डाउन करना है यानी फाइनलाइज करना है। इसका सक्सेस रेशियो पिछले प्रोग्राम का भी बहुत अच्छा गया है, तकरीबन अगर आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट होता है, हमने बहुत कम रिफ्यूजल देखे हैं, हमने बहुत अच्छा सक्सेस रेशियो देखा है। पुराना प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा है, इसीलिए ये नया प्रोग्राम और ईज आउट करके लेके आए हैं। सो ये जरूर देखिएगा। लिस इंस्टीट्यूट इज अ गवर्नमेंट सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, सो इसके अंदर हम लोगों के कई फ्री स्कॉलरशिप नैनी प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिसके अंदर आपको नैनी का कोर्स टोटली फ्री ऑफ चार्ज मिल रहा है। आप अपनी एलिजिबिलिटी को जानने के लिए आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। एंड हमारे यहाँ पे फ्री स्पॉन्सर्स, अगर आप एलिजिबल हो तो आपको फ्री स्पॉन्सर्स की सुविधा मिल जाएगी, फ्री फाइलिंग गाइडेंस मिल जाएगी, एक ही रूफ के अंडर आपको ये सारी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ अपडेट्स आने अभी बाकी हैं, जो अपडेट्स मैं अपनी वीडियो पे अपने चैनल पे डालती रहूंगी, तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सो दैट आपको नई नई चीजें पता चलती रहे और टाइमली पता चलती रहे। सो आप न्यू अपडेट के लिए नीचे सब्सक्राइब डाल दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट जरूर करिए, कुछ भी आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट या कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।